नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सबके? आप ठीक होंगे, आप ठीक ठाक होंगे सारे, मेरी उम्मीद है यही। और क्रोशिया का वर्क परमिट है, क्रोशिया का वर्क परमिट विद 1 साल की TRC के साथ। क्लीनर चाहिए, मेल फीमेल क्लीनर चाहिए, ठीक है। और ट्रेडिंग वाले बंदे चाहिए, उसमें जो ट्रेड वर्कर होते हैं, जिसमें कि कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैकेनिकल, फीमेल किचन असिस्टेंट, वेट्रेस चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट चाहिए हमें, जिनकी सैलरी होगी 700 से 800 यूरो सैलरी, प्लस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल। फूड नहीं होगा, फूड खुद का होगा, खुद बनाइए खुद खाइए। क्रोशिया शेंगेन कंट्री है, देखिए बहुत अच्छे वीज़ा रेशो आ रहे हैं, अभी वीज़ाज आ रहे हैं न्यूली, मेरे अभी वर्क परमिट आए हैं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद फ्लाई हो जाएगा बंदा। टोटल जो प्रोसेस लूँगा 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होगा, और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होगी। जब परमिट आ गया तब कुछ पैसा, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गए तब कुछ, सारा आपने ही करवाना है, अपने हाथ से करवाना है, ठीक है। अगर हमें बोलेंगे हम करवा देंगे, नहीं तो आप खुद करवा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रोशिया में अगर कोई जाना चाहता है तो हम मूव भी करवा देंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बुल्गारिया, बुल्गारिया का वर्क परमिट है, बहुत ही सुंदर अच्छी कंट्री है। बुल्गारिया से 600 से 700 यूरो सैलरी है। नीड हेल्पर चाहिए मुझे कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के लिए, और इसमें अकोमोडेशन मिलेगा, फूड नहीं होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल सारी सुविधाएं वहां पे मिलेंगी, ठीक है। और आपको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है वो उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर कोई बंदा इंडिया से दुबई, दुबई टू शेनगन जाना चाहता है कम खर्चे के ऊपर, क्योंकि मान के चलिए अगर इंडिया से आप शेनगन जाते हो 14-15 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो कि आपने स्टे करना है 6 महीने दुबई के अंदर, स्टे करना है, खाना मेरा, रहना मेरा, आपको काम पे भी मैं लगवा दूंगा, ठीक है। और आपका प्रोफेशनल वीज़ा होगा, और प्रोफेशनल वीज़े के साथ आपका कार्ड बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको शेंगेन की रीच हो जाएगी, और आपका काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल कम बजट में है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है इसमें। कोई भी अगर दुबई में है, उसकी आईडी बनी हुई है, चाहे नहीं बनी है, वो भी कांटेक्ट कर सकता है, उसका भी काम हम करवा देंगे अपनी तरफ से ला के। तो इससे 5 से 6 महीने का टाइम आप मान के चलिए, उससे पहले पहले आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। रशिया का 1 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। रशिया का देखिए दोस्तों, 1 साल का वीज़ा है जो, जिसमें हमें 90 डेज़ की एंट्री मिलती है। मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं शेंगेन वीज़ा करवा के आपको शेंगेन भेज सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो तो 40-50-60 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं उसमें ज़रूरत होती है, वेयर हाउस में ज़रूरत होती है बंदों की, कटिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, डिस्पैचिंग करने के लिए, बहुत सारा काम है रशिया में। सैलरी बहुत अच्छी है, जितना बंदा काम करेगा उतनी सैलरी उसको मिलेगी, ठीक है। और 3 साल का ओपन वर्क परमिट लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सैलरी भी अच्छी है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार सैलरी मिलेगी, ठीक है। खाना पीना रहना सारा कुछ मिलेगा आपको, और अगर आप मूव होना चाहते हो तो मूव भी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मूव होना चाहते हो तो मूव भी हम करवा देंगे। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और